वेलकम स्टूडेंट्स, आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा जो वर्कशीट नंबर 7 है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 7th के लिए। डेट है 9th ऑफ अगस्त 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको अपना यहाँ पर लिखना है। तो जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर है उसको हमने प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसमें पढ़ा था, उनके आंसर जो थे उनको भी हमने देखा था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वर्कशीट नंबर 6 नहीं देखी है तो वो DOE वर्कशीट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाई द किंग, कि उन 3 क्वेश्चन को लिखिए जो कि किंग ने पूछे थे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वर्कशीट देखी होगी उनको पता होगा कि किंग ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन जो किंग ने पूछे थे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू, कि एवरी एक्शन, कि कौन सा सबसे उचित समय है किसी कार्य को करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं। वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन थे, दीज 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड बाई द किंग, किंग के द्वारा इनको पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर विद करेक्ट वर्ड, पिक्चर को करेक्ट वर्ड से मैच करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग है, तो किंग को हमने मैच कर दिया, जो कि शासक होते हैं। इसके बाद है मैजिशियन, ठीक है, जादूगर, और हर्मिट या सेज, संत, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद है 3rd क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर राइट इन द कॉलम्स बिलो, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है और कॉलम्स में लिखना है। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग, क्वेश्चन जो किंग ने पूछे थे तो अभी मैंने आपके सामने बताए भी थे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि तो इसमें आएगा व्हाट, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी कार्य, सबसे जरूरी टाइम क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट में आएगा व्हाट। सेकेंड, हु वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, तो ऑलरेडी बताया गया है कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं, हु आएगा। और 3rd वन में आएगा वट वाज द, वट आएगा यहाँ पर, वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। ठीक है, दीज 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड बाई द किंग। अब जो आंसर दिए थे लोगों ने वो क्या दिए थे, तो 2nd क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिए, कि हु वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, कि सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं। तो जो जवाब दिए मिले वो थे डॉक्टर, प्रीस्ट यानी कि पुजारी, काउंसलर, सलाहकार, सोल्जर, सैनिक, और ये हमने कहाँ से पिक किया, यहाँ से, इस तरह से। और पहले क्वेश्चन का जो होगा, 1st क्वेश्चन का, वट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सबसे सही वक्त क्या है किसी काम को करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और 3rd वन का, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य क्या है करना, तो ये है, इसका आंसर दिया था ये वाले, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है 3rd वन में। दोबारा से बता देता हूँ, ये आपको यहाँ लिखना है और ये आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है, व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट, और जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने क्या जवाब दिया। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़, कि किसी कार्य को करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है, तो नाउ, अभी, अभी होता है। जो भी आप काम अभी करेंगे वो सबसे बेहतर है, अगर आप काम को पेंडिंग छोड़ेंगे तो वो काम पेंडिंग ही रह जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति कौन है, द
पर्सन यू आर विद या किंग, तो इसका सही होगा द पर्सन यू आर विद, आप जिसके साथ हैं, जिसके साथ आप हैं वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू टू अदर्स, कि आपको लोगों के साथ जो सबसे ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ है, वो क्या करनी चाहिए, लोगों का बुरा करना चाहिए या भला, तो गुड, गुड टू अदर्स, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ, नाउ द पर्सन यू आर विद एंड गुड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।